भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। ये ऑपरेशन जो था ये पाकिस्तानी सेना के खिलाफ चलाया गया था। इसमें एक जगह का नाम है कश्मीर में, जहाँ की जिसे हम कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर। ये बहुत ऊंचा भाग है, यहाँ पे हमेशा बर्फ़ की चादर चढ़ी रहती है इस पर। तो इसी को कब्जा करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था और पाकिस्तान ने भी इस पर कब्जा करना चाहा था। क्यों कब्जा करना चाहा था, इसमें क्या विरोध किया गया था, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैप में, इसमें कश्मीर का ये हिस्सा दिखाया गया है, केवल भारत के कश्मीर का हिस्सा दिखाया गया है, लेकिन वर्तमान में पूरा ये भारत के पास ये हिस्सा नहीं है। इसमें चाइना भी कुछ इस पर कब्जा किया है, पाकिस्तान भी कब्जा किया, जिसे आप POK ही बोलते हैं, और चाइना जो ऑक्यूपाइड किया है उसे, उसका भी भाग इसमें शामिल है। लेकिन हम मैप में यही देखते हैं, तो इस साइड जैसे कि पाकिस्तान है और इस साइड चाइना है, ये हमारा भारत है पूरा। अब देखते हैं इसमें, पहले ये बना लेते हैं कौन कौन सा कहाँ कौन कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे कब्जा किया जा चुका है भारत का। तो पहले ये अगर इस एरिया की बात करें जो कि POK कहते हैं, ये POK भी पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया है, और इस एरिया का जिसे हम अक्साई चीन बोलते हैं, चाइना के द्वारा इसे कब्जा कर लिया गया, भारत का हिस्सा है जो कि। तो इस बॉर्डर बना लेते हैं, इसमें पहले क्या किया गया था, इसमें जब एक 1947-48 में भारत और पाकिस्तान में एक जंग छिड़ गई थी, और इस जंग में इतना तक बढ़ गया था कि ये संयुक्त राष्ट्र की बात पहुँच गई थी। उस समय यह सुझाव दिया गया, यह कहा गया कि अब आप दोनों लोगों को, भारत और पाकिस्तान दोनों लोगों को ये कहा गया कि आप दोनों लोग जहाँ भी इस समय जहाँ पे भी स्थित हैं, जिस भी बॉर्डर जिस लाइन में आप इस समय उपस्थित हैं, वहीं पे आप रुक जाएं और वहीं अपना बॉर्डर मान लें आप लोग, और वहीं पे एक बॉर्डर बना लिया, एक समझौता हुआ, यानी जिसे हम बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पहले देख लेते हैं कहाँ है। जैसा कि अगर बात करें लाइन ऑफ कंट्रोल की, तो हमारी यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल शुरू हो जाती है, मैंने ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ मैं इसे, कुछ इस तरह से है, ये हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल हो गई। तो ये जब उस समय समझौता हुआ था लाइन ऑफ कंट्रोल की, तब उसमें इतने ही भाग का, इतने ही बॉर्डर के एरिया को दिखाया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो इसके पहले ही भी हमारा चाइना ने कब्जा कर लिया था, जो कि हमारा ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया चाइना के द्वारा कब्जा किया जा चुका है। तो ये हो गया अक्साई चीन, और इधर हमारा POK हो गया। तो ये वाली जो बॉर्डर की लाइन ग्रीन कलर से जो मैंने दिखाया है, इसी को LOC बताया गया, इसी का निर्धारण किया गया था। लेकिन इसके बाद ये नहीं बताया गया कि इसके आगे का एरिया, यानी कि ये वाला जो एरिया है किसका है, ये निर्धारित नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा एरिया था, पूरा बर्फ से ढका रहता था, यहाँ पे जाना मुश्किल था, या सेना की बात कर ले तो उनके लिए भी कोई आसान बात नहीं थी, और यहाँ पे लोगों का रहना भी बहुत कठिन था। यहाँ का टेम्परेचर लगभग -50 से -55 डिग्री तक ऐसे आसपास रहता है, तो वहाँ जाना ही नामुमकिन है। तो इसलिए इसे छोड़ दिया गया कि इसे ना मेरा अधिपत रहेगा ना आपका, इस पर कोई यहाँ नहीं जाएगा, इसे ऐसे छोड़ दिया जाए। ये वाला जो एरिया था बहुत ऊँचाई वाला एरिया था, इसकी हाइट जो थी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से भी इसे छोड़ दिया गया, और यहाँ बर्फ भी ज़्यादा पड़ती है। तो भारत अपना ये समय इतने में था, ही ऊपर का भाग, और पाकिस्तान पूरा यहाँ तक POK, ये POK हो गया, इधर अक्साई चीन का ये हिस्सा ही है। तो फिर देखा गया धीरे धीरे क्या किया जाने लगा, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाने लगा कि इस पर आधिपत्य जमाने लगे, और ये दावा करने लगे कि मेरा हिस्सा है। अभी डायरेक्टली नहीं बोला गया है, डायरेक्ट नहीं बोल दिया गया कि मेरा हिस्सा है। धीरे धीरे क्या किया गया, पाकिस्तान भी अपने पर्वतारोही को यहाँ पर भेजने लगा, यानी कि जिसे हम सियाचिन ग्लेशियर बोलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर है ये लगभग 75 से 76 ऐसे किलोमीटर की इसकी लंबाई है, तो ये पूरा बर्फ का एरिया है। अपना पर्वतारोही भेजने लगा, जर्मनी, पोलैंड, इन सब एरिया जो भी आते थे पर्वतारोही, उन्हें भेजता रहा वो, इसलिए क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि ये हमारा एरिया है, हमारे परमिशन से लोग जा रहे हैं, हम अगर परमिशन देंगे तो जाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं जाएगा। इससे ये होने लगा, धीरे धीरे फैलने लगा कि पाकिस्तान का हिस्सा है, यहाँ तक कि अमेरिका भी और पाकिस्तान भी अपने मैप में इसे अपना हिस्सा दिखाने लगे, अक्साई चीन ये सियाचिन ग्लेशियर को। तो अभी तक भारत इस पर ध्यान नहीं दे रहा था, इस यहाँ तक कोई सोचा भी नहीं था, और इसे नज़रअंदाज भी किया जा रहा था। धीरे धीरे ये अपने वहाँ पर भेजने लगे, कुछ लोगों ने भारत को भी सूचित किया कि आप देखिए पाकिस्तान कुछ ऐसी एक्टिविटी वहाँ से कर रहा है, आप भी कुछ कीजिए, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। फिर बात आती 1977 में क्या हुआ, एक जर्मनी का ही आया पर्वतारोही भारत के पास,
कि हम आपकी तरफ से चढ़ाई करना चाहते हैं इस पर्वत पे, हम इस पर्वत पे जाना चाहते हैं, यानी कि यहाँ सियाचिन ग्लेशियर पे। तो ये था कि अभी तक क्या था कि सब इन लोग सारे जहाँ जितने भी पर्वत है सब जगह चढ़ चुके थे, अब इन लोगों को सियाचिन ग्लेशियर चढ़ना था। तो सियाचिन ग्लेशियर मान लीजिए अगर इस साइड पाकिस्तान है तो सियाचिन कुछ इस तरह से था, यानी कि और इधर इंडिया, यानी कि इधर से तो चढ़ चुके थे इन लोग, अब इन लोग इंडिया की तरफ से चढ़ना चाहते थे क्योंकि इसकी हाइट कुछ इस तरह से थी, तो यहाँ से चढ़ना थोड़ा कठिन था। तो इन लोग थोड़ा टास्क लेना चाहते थे अपने नाम नेम फेम के लिए, तो इन लोगों के लिए इन लोग क्या किए, इधर से परमिशन लिए और इधर से चढ़ने की कोशिश किए। तो जब इन लोग जब यहाँ मैप लेकर आए थे इंडिया के पास, तो इंडिया ने देखा उसका मैप तो कहा कि अरे उस मैप में क्या किया गया था, पाकिस्तान ने ये वाला एरिया को अपने में दिखाया था, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर को अपने में दिखाया गया था। तब इंडिया की आँख खुली, तब उसने ध्यान दिया, फिर उसने ध्यान दिया कि अमेरिका ने भी अपने मैप में इसे पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया है। अब धीरे धीरे इन लोगों ने भी अपनी एक्टिविटी करना शुरू किया, बढ़ाने लगे। तब इंडिया ने भी परमिशन देने लगे, जितने भी पर्वतारोही थे इन लोगों को परमिशन देने लगे कि आप भी जाइए वहाँ पर घूमिए, ये सब कीजिए। साथ में सेना के लोग भी जाते थे वहाँ, दस्त लगाते आते थे, वहाँ से आते थे, जाते थे, पेट्रोलिंग करते थे, लेकिन ये नहीं शो करते थे कि हमारी सेना जा रही है पेट्रोलिंग करने या हम अपने एरिया देखने जाते थे। तो उसी तरह उन लोग भी उधर से भेजते थे, लेकिन ऐसी इसी तरह 5-6 साल तक यहाँ पे यही चलता रहा। फिर ये सेना के लोग कहे कि ऐसा तो इससे काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और करना चाहिए। तो लगभग 83 में इन लोग ये प्लान बनाए कि हम वहाँ पे अपनी चौकी बनाएंगे, वहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर में ऊपर जाकर वहाँ एक चौकी बनाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से भी ये कहा गया कि हम ऊपर जाके चौकी बनाएंगे, क्योंकि वो पहले से लेकिन उसके माइंड में था कि हम वहाँ पे कब्जा करना है। लेकिन भारत ने अब जाकर ये सोचना स्टार्ट किया कि हम वहाँ पे जाके चौकी बनाएंगे। तब भारतीय सेना ने यह निर्धारित किया कि गर्मी के समय में हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कुछ तो कम रहेगा, गर्मी में आसान रहेगा सेना को जाना। तो गर्मी का इन लोग समय बताया इन लोगों ने कि हम गर्मी में जाएंगे। तो इन लोगों ने उस समय की उसके लिए तैयारी के लिए इन लोग इंग्लैंड गए, क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए एक स्पेशल तरह के कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, या आप कह सकते हैं जैकेट, सॉक्स, जो बूट होते हैं, ग्लव्स होते हैं, और कानों को ढकने के लिए चश्मे, ये सब चाहिए होता है। तो उन लोग गए इंग्लैंड के पास, क्योंकि न ये इंडिया में ही उपलब्ध था न पाकिस्तान में ही उपलब्ध था, तो ये गए इंग्लैंड। तो जब इंग्लैंड गए तो वहाँ जिस कंपनी के पास इन लोग गए वो जब ऑर्डर लेने से मना कर दी, तब इन लोगों ने पूछा कि अच्छा क्यों आप लोग ऑर्डर नहीं ले रहे हैं। तब उन लोगों ने बताया हमने पहले से ही ऑर्डर ले रखा है इसमें का, हम इतना सप्लाई नहीं कर सकते। तब भारत को लगा कि ऐसा कौन देश आ गया जिसको ऐसे कपड़े की ज़रूरत है, जिसे 5,000-6,000 मीटर की ऊंचाई पे उसे ज़रूरत है सेना को। तब इन लोगों ने पता किया तो पता चला कि पाकिस्तान के ही लोगों ने ये ऑर्डर दिया है। तब भारत की जो एजेंसियां हैं, सीक्रेट एजेंसियां जैसे रात, उसने भारत को ये नोटिस दिया, भारत को बताया भारतीय सेना को कि पाकिस्तानी सेना ऐसी चाल चल रही है, वो पहले से ही प्लान बना चुकी है कि हम वहाँ पे इसी साल कब्जा कर लेंगे सियाचिन ग्लेशियर को। तब इन लोगों ने और तेज़ काम करना शुरू किया। अब इन लोगों ने जो गर्मी में जाने का प्लान बनाया था वहाँ पे कब्जा करने के लिए इस जगह को, अब उन लोगों ने ठंडी में ही कहा कि हम इसी समय जाएंगे, इस समय जाएंगे। तो लेकिन ये भी दिक्कत था कि इनके पास अभी कपड़े नहीं थे उस तरह के। तो इन लोगों ने अपनी सेना से पूछा, सेना के जवानों से, कि क्या आप वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। तो सभी लोगों ने एक ही स्वर में बोला हाँ हम जाने के लिए तैयार हैं। तब से काम शुरू हो गया। तो अब इन लोगों ने चढ़ाई करना शुरू कर दिया। अब देखिए पहले यहाँ की लोकेशन देख लेते हैं, कौन सी लोकेशन क्या थी। यहाँ पर एक पॉइंट बना था, एक पॉइंट यहाँ था और एक पॉइंट इधर, तीन पॉइंट थे, मेन पॉइंट है जिससे ये ट्रायंगल बन जाता है, ये एरिया एक ट्रायंगल शेप में बनता है, यही हमारा है सियाचिन ग्लेशियर। यही पे हमें कब्जा करना था, पाकिस्तान भी करना चाहता था और इंडिया भी। इंडिया क्यों नहीं चाहता था कि पाकिस्तान इस पर कब्जा कर ले, क्योंकि इधर से हमारा चाइना है, इधर से पहले से पाकिस्तान है। अगर इस एरिया में पाकिस्तान कब्जा कर लेता तब ये दोनों आपस में मिल जाते, पाकिस्तान और चाइना को मिलने में आसानी हो जाती। तब इन लोगों ने, और ये ऊंचाई वाला भी एरिया था, ऊंचाई वाले एरिया से भारत को अटैक करना आसान हो जाता, भारत पे अटैक कर सकते थे कभी भी ये दोनों देश मिलके, क्योंकि जो किसी भी बैटल फील्ड में अगर जो दुश्मन अगर ऊंचाई पर है तो वो हावी हो सकता है। इसीलिए ध्यान में रखते हुए भारत नहीं चाहता था कि इस पर पाकिस्तान का कब्जा हो, इसलिए ये ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था।
ये इसमें तीन पॉइंट थे जिससे एक ट्रायंगल बन जाता है। तो ये एक पहाड़ी थी, ये वाली जो लाइन है जिसे मैं यहाँ बना देता हूँ, ये एक पहाड़ी थी ऐसे। इस पर एक पहाड़ी रेंज थी, एक श्रृंखला थी, पहाड़ था उसकी श्रृंखला थी। इसमें जगह जगह बीच में चोटियाँ थी, कई चार पांच चोटियाँ मेन मेन थी, जो सबसे किनारे थी यहाँ पर, यहाँ पर जिसे हम NJ9842 कहते हैं, यही हम यहाँ बता देते हैं NJ9842। इसी तरह इस पर लगभग पांच चोटियाँ थी, तो एक यहाँ, एक दो तीन चार और पांच, यहाँ पर जो थी इसका नाम था ग्योंगला, ये इस वाली चोटी का नाम था। फिर दूसरी का नाम था बिलाफोंडला और तीसरी का नाम था सीला, और यहाँ पे जो लास्ट में थी ये बहुत ऊंचाई पे थी, जिसका नाम था इंद्रा कॉल। ये यही पहाड़ी है जो ये वाली एरिया है, ये वाली लाइन जो मैंने दिखाई, ये एक पहाड़ी थी, पहाड़ी है, और इसी पे ये जगह जगह पे ऊंचाई ऊंचाई जैसे पहाड़ है ना एक, तो उस पर जगह जगह एक चोटी होती है, तो इसी तरह पांच इस पर चोटियाँ थी जिसका नाम था, एक सबसे यहाँ पे जो थी जो कि भारत से लगी थी वो था NJ9842। फिर उसके आगे जाने पे ग्योंगला था, फिर उसके और आगे जाने के बिलाफोंडला था, फिर और आगे जाने पे सीला था, फिर और ऊपर गए तो हमें इंद्रा कॉल मिला था। ये इसी तरह से यहाँ हमारा इंद्रा कॉल है ये, और यहाँ हमारा ये, और बीच बीच में ये सब था ही। तो यही भारत नहीं चाहता था कि अगर इस पर कब्जा हो जाएगा तो ये यहाँ से इस पर साथ हो जाएंगे दोनों। इसी को रोकने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। तो भारत ने जो तारीख चुनी थी 13 अप्रैल 1984 को ये भारत ने इस पर चढ़ाई कर दी थी, और पाकिस्तान ने जो प्लान बनाया था वो लोग तो पूरे कपड़े, गर्म कपड़े पहन के आए थे, पूरे हाथ में ग्लव्स सॉक्स और पूरे चश्मे ऐसे लगा के आए थे कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी उतना। लेकिन भारत के जो आमतौर पर जो कपड़े पहनते थे, जो ड्रेस था उनका, वही गए थे उसी से वो। तो यहाँ पर हथियार जो पहुँचाए गए थे, छोटे छोटे हथियार पहुँचाए गए थे, जैसे मोर्टार हो गए, ये सब के सहारे इन लोग ये सब हेलीकॉप्टर की मदद से गए थे, ऊपर तो पहुँच गए थे। लेकिन ऊपर जाने के बाद दुश्मन से ज़्यादा, पाकिस्तानी सेना से ज़्यादा डर इन्हें वहाँ के वातावरण से था, यानी कि वहाँ का टेम्परेचर इतना लो हो जाता था कि वहाँ आम तौर पर रहना बहुत ही मुश्किल था। शुरुआत में तो हमारे सैनिक जो थे ऐसे ही शहीद हो गए केवल वहाँ के मौसम के कारण, किसी में के फेफड़े में पानी भर जाता था, तो किसी का हाथ एकदम काला हो जाता था, वहाँ पे ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती थी कि फेफड़े में पानी भर जाना, हाथ, अगर कोई हाथ से ग्लव्स निकल गया तो हाथ काला हो जाता था, एकदम कड़ा हो जाता था, फिर उसे काट के निकाला जाता था। इसलिए आप देखेंगे जो पर्वतारोही थे उन लोगों की कोई किसी की उंगली कटी रहती थी, तो किसी हाथ कटा जाता था, किसी पैर कटा रहता था, तो ये यही कारण था वहाँ पे इतना टेम्परेचर के कारण कि हाथ पैर काला हो जाता था। इसके अलावा इन्हें क्या था, खाने की दिक्कत थी, खाना पीना अच्छे से नहीं था, डायरेक्शन उन्हें सही से नहीं पता चलता था, उनकी मेमोरी लॉस होने लगती थी, स्लीपिंग में प्रॉब्लम आती थी, तो इस तरह से वहाँ दिक्कत देखी गई थी। अब इन लोगों ने क्या किया, 13 अप्रैल को इन लोगों ने चढ़ाई कर दी, और पाकिस्तान ने सोचा आराम से हम जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भारत तो अभी सो रहा है, उसे क्या पता। इसे पता था कि पाकिस्तान चढ़ाई करने वाला है, लेकिन ये नहीं पता था कब करेगा। पाकिस्तान को नहीं पता था कि भारत भी कर रहा है। तो ये लोगों ने 17 अप्रैल 1984 में, और इन लोगों ने 13 अप्रैल यानी बैसाखी का दिन चुना। इस दिन तो इसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भारत ऐसा करेगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे तक तो निर्धारित थी कि हमारी ये बॉर्डर रेखा है, लेकिन इसके आगे निर्धारित नहीं की गई थी। यही जो हमारा है जिसे हम बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर, ये सोचा गया था यहाँ कोई नहीं जाएगा, बंजर भूमि है, यहाँ पर बर्फ भी है, यहाँ किसी को रहने लायक नहीं है, इसे छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर जब ये भारतीय सेना पहुँच गई, लड़ाई हुई और वो जीत गई, इस तरह से ऑपरेशन मेघदूत सफल रहा, सक्सेस हो गया। तो अब देखते हैं कि अब इस समय भारतीय सेना कहाँ है और पाकिस्तानी सेना कहाँ है। अगर भारतीय सेना की बात करें तो जो हमने ये पॉइंट बनाए हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये पाँच पॉइंट है,
जो मेन मेन पॉइंट है, तो यहाँ पर भारतीय सेना जो सबसे ऊंचाई वाला एरिया है कि अब हम बैटल करने के लिए बैटल फील्ड जो है वहाँ पे वार करने के लिए आसानी हो जाएगी। और ठीक इसका नीचे का जो मतलब स्लोप होता है जो पर्वत का, वहाँ पर पाकिस्तानी सेना है। 3000 तक सैनिक शहीद हो गए हैं दोनों तरफ के मिला के, पाकिस्तान की भी तरफ से और इंडिया की तरफ से। ये ज़्यादातर क्यों होते थे, वहाँ के मौसम के कारण होते थे, बर्फ़ों के कारण होते थे, वहाँ के वातावरण के कारण ऐसा होता था। ज़्यादा वहाँ गोलियों से बहुत कम ही लोग शहीद हुए, इस तरह से ज़्यादा हुए। अच्छा, भारत ने तो जो ऑपरेशन चलाया था कि हम इस पर कब्जा कर लें, पहले पहुँच जाएँ, तब ये हम बच सकते हैं, हम अपने बाकी एरिया को बचा सकते हैं अगर इस पर चढ़ाई कर लिए। इसी को चढ़ने के लिए पाकिस्तान ने भी एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन अबाबिल। उसकी तरफ से चलाया गया था इसी काम के लिए अबाबिल, और भारत की तरफ से ऑपरेशन मेघदूत। तो भारत ने तो अपने ऑपरेशन में सक्सेस पा लिया। ये LOC है और इधर हमारा LAC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये एक लाइन हो जाती है AGPL। ये वाली लाइन जो है हमारी AGPL। तो इस तरह से हमारा देखिए अक्साई जो सॉरी सियाचिन ग्लेशियर का जो हिस्सा बनता है कुछ इस तरह से बनता है। ये पॉइंट हम बना दे रहे हैं NJ 9842। ये एरिया भारत में है, इधर हमारा ये LOC है, इधर ये वाली लाइन जो है LAC है, इंदिरा कोल, बीच बीच में कई पॉइंट ऐसे जो मैंने अभी ही बताया है ये, और ये इंडिया वाला हिस्सा है। तो इस तरह से ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर जो है पूरे विश्व की सबसे हाईएस्ट जो है बैटलफील्ड है, इसके अलावा और कहीं भी कोई बैटलफील्ड नहीं है। यही एक वार ऐसा था जो कि वर्ल्ड भर में सबसे ऊंचाई पर लड़ा जाने वाला वार था। इसके बाद नहीं ऐसा हुआ, ना इसके पहले कभी ऐसा हुआ था। अगर ग्लेशियर की बात करें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है, पहला तजाकिस्तान में है और दूसरा भारत में ये सियाचिन ग्लेशियर है जो कि सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। अच्छा, इस ऑपरेशन में दो रेजिमेंट का ज़्यादातर प्रयोग किया गया मुख्यतः, एक था कुमायूं रेजिमेंट और लद्दाख स्क्वाड का प्रयोग किया गया था। इसमें वायुसेना भी मदद की थी, जैसे कि वहाँ के सेना को ले जाना, सामान को ले आना, जो हथियार थे उन्हें ले आना ले जाना, ये सब वायुसेना भी मदद की थी, हेलीकॉप्टर की मदद से ये सब प्रयोग किया गया था। अच्छा, फिर इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया था हम कुछ दिनों या कुछ घंटों की देरी से हम चूक गए थे, नहीं तो हम अगर पहले पहुँचे होते तो हम हावी हो गए थे। तो ये बात सच है, अगर वो पहले पहुँचे तो हावी हो गए, लेकिन भारतीय सेना ने पहले पहुँचा था, जो कि इनके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे, ना अच्छे से इन लोग तैयार थे। इन लोगों में कुमायूं रेजिमेंट और लद्दाख स्क्वाड को जो भेजा गया था, उन लोगों को पहले ट्रेनिंग दी जा चुकी थी कि कैसे ठंडी के मौसम में कैसे हमें मैनेज करना है और कैसे ऊंचाई वाले एरिया में जाना है, तो ये सब उन्हें पहले से मैनेज किया गया था। लेकिन उतना नहीं तैयारी थी जितना कि पहले से इन लोग सोचे थे। पाकिस्तान पहले से तैयारी कर रहा था, वो पहले से ही चाहता था हम वहाँ पर अटैक करेंगे। क्या हुआ, भारत का इस पर कब्जा है, अब नहीं चाहता कि ये दोनों आपस में मिल जाएं। अच्छा, यहाँ पर एक एरिया था जिसका पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड किया था इंडिया का, अब इनसे ये चल नहीं पाया, संभाल नहीं पाया उसे, तो वो दे दिए चाइना को गिफ्ट में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आई होगी, क्या है ऑपरेशन मेघदूत, क्या था पाकिस्तान की तरफ से जो चलाया गया था उसका नाम अबाबिल था, कैसे भारतीय सेना ने अपने शौर्य पराक्रम से यहाँ पर कब्जा किया और इस एरिया को अपना बना लिया, और इसी की वजह से आज हम सबको लगता है कि ये हमारा एरिया सेफ है। अदरवाइज़ अगर ये दोनों एक हो गया होते तो आज ये और धीरे धीरे बढ़ के ये पूरा ले सकते थे। तो ये जो था सही समय पे चलाया गया, अगर थोड़ा और पहले चलाया गया होता तो हो सकता था कुछ जनधन की जो हानि हुई है थोड़ी कम हो जाए। अभी हमारे पास ये सेफ है, और इसी तरह लगभग बताया गया कि 1 करोड़ का खर्चा डेली यहाँ पर इस एरिया में, भारत और पाकिस्तान लगभग इस एरिया के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च करते हैं प्रतिदिन, यानी कि हेलीकॉप्टर का ले आना ले जाना, फ्यूल हो गया, हथियार हो गया, बाकी चीज़ें जो हो गई, और इससे बढ़कर जो है कि सेना वहाँ पर शहीद हो जाते हैं, सेना के जवान। तो ये सब बातें हैं जो कि ध्यान देने वाली बातें हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। तब तक ले जय हिंद, बाय बाय।